भाई थोड़ा बहुत कंपोनेंट देखते हैं, फिर किसी थीम की तरफ चलते हैं, कोई यूआई वगैरह की तरफ। अच्छा भाई क्लास लाइन पर नहीं चलते, एक आपके पास कंपोनेंट से कौन सा भाई बटन, अगर आपको बटन यूज करना हो भाई आपके पास इसके अंदर तीन चार ऐसे बटन थे, ज्यादा बटन ये इसके अंदर रहते सही है। तो भाई सिंपल क्लास डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने मौजूद है, इसके अंदर अगर आपको कोई दूसरा बटन यूज करना हो तो आप बटन यूज कर सकते हो, मसला नहीं है भाई। हम आए इसके अंदर सोर्स कोड पे, हमने करा कॉपी। अच्छा भाई कहां पे कंपोनेंट्स, एनयूआई कंपोनेंट प्रैक्टिस की होगी, बिल्कुल अच्छा भाई क्लास ये जस्ट क्लियर सबको हो गया, जीत गए सही भाई। अच्छा भाई पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा सभी बार। अच्छा भाई अब यहाँ पे आ जाओ यार। अच्छा भाई क्लास बटन कंपोनेंट यूज करने अब कहाँ पे हमें, हम चले जाते हैं भाई होम पेज के ऊपर, एक और पेज बना लो भाई होम पेज के नाम से। अच्छा भाई क्लास एक चीज याद रखना, इसी प्रोजेक्ट के अंदर ना आगे जाके ना मतलब इसी प्रोजेक्ट के अंदर एमयूआई यूज करते हुए प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग और उसको फिर हम लोग फंक्शनल करेंगे। तो अभी जैसे मैं समझा रहा हूं उसको समझ लो, फिर बाद में बड़ा मसला होगा हम लोगों को कि भाई ये कहां से क्या आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, फिर ये सवाल मुझसे कोई ना करे। अच्छा भाई ये बन गया अपना सिंपल। होम कंपोनेंट हो गया भैया, चले जाते भाई यहाँ पे। अच्छा भाई क्लास यहाँ पे हमने कॉल के लिए किसको, बटन कंपोनेंट को चेक करते भाई जरा सिस्टम, सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है। फेसबुक पे मीम से मीम होंगी अभी भी मीम नहीं, बड़ी अच्छी थी यार वो तो बस क्या सबका है प्रभाव। अच्छा भाई क्लास आपके पास यार क्यों इसने बटन आ गए, फन आया नहीं आया ये। अच्छा भाई हम क्या करते हैं अक्सर हमारी जो एप्लीकेशन होती है ना उसके अंदर सारी चीजें रियूजेबली यूज करते हैं, ऐसा नहीं भाई आपके पास 10 पेजेस हैं 10 पेजेस के ऊपर आप बटन अलग अलग बनाओगे नहीं। अगर 10 पेजेस हैं या 10 किस्म के फॉर्म है आपके पास तो ऐसा नहीं होगा कि आप 10 फॉर्म्स के ऊपर इनपुट फील अलग अलग बनाओगे नहीं। हमारे पास रिएक्ट के अंदर हर चीज एक ही होती है बस, जिसको हम क्या कर रहे होते हैं हर जगह रियूजेबल कर लेते हैं। हाँ अगर इन केस के भाई बहुत आउट है, मिसाल के तौर पर भाई आपके पास एक बटन है जो इस तरीके का समझ लो कंटेन है, एक आपके पास ऑफलाइन है, लेकिन हो सकता है कि भाई ऑफलाइन आपके पास बहुत चेंज हो। मिसाल के तौर पर भाई आप दो किस्म के बटन यूज करना चाह रहे हो तो आप दो अलग अलग कंपोनेंट बना लो, मुझसे पूछ लो भाई। अच्छा भाई तो हम रिएक्ट के अंदर क्या करते हैं ज्यादा चीजें रियूजेबली यूज करते हैं कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा एक जगह चेंज करें तो पूरी एप्लीकेशन के अंदर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अगर आप भाई अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस कहलाती है अगर आप ना भी यूज करो तो मसला नहीं है, गुना नहीं मिलता, एप्लीकेशन फ्री में चलती है। लेकिन मसला क्या है अगर क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे ये बटन चेंज करना है और क्लाइंट कहता है कि भाई मैं पूरी एप्लीकेशन के अंदर ये बटन जो है ना चेंज करवाना चाह रहा हूँ चेंज कर दो उसको,
वो रेक की तरफ आया कि भाई क्लाइंट पागल नहीं होता, वो आगे वो जैसे कहते हैं भाई रेक बना के दो, उसको पता होगा रेक क्या है, उसको पता होगा कि भाई कंपोनेंट बेस है ये, रीयूजेबिलिटी होती है यहाँ पे, हर चीज का कंपोनेंट होते हैं, वो आपको क्या देगा भाई स्टूडेंट चेंज कर दो। अब आपने जो है वो 1000 जगह बटन यूज किए हैं और आपने 1000 बटन यूज करे ना कि कंपोनेंट यूज करे, मसला क्या आएगा, हर जगह जाके अलग अलग करना पड़ेगा, इशू है। इस इशू से कैसे बचा जाए भाई, कंपोनेंट बेस। अच्छा भाई मैंने यहाँ पर बना ली क्लास एक सिंपल बटन का कंपोनेंट। अच्छा भाई यहाँ पर बस तीन किस्म के बटन है, टेक्स्ट, कंटेंट और आउटलाइन। भाई मैंने सिंपल कौन सा रखा, सिर्फ मैंने सिर्फ कंटेंट रखा, मुझे और कोई बटन नहीं चाहिए। अच्छा भाई ये बन गया बस बटन का कंपोनेंट। यहाँ पे लेके आते हैं टाइपोग्राफी, और यहाँ कर दिया मैंने होम पेज। अच्छा भाई ये है रीयूजेबिलिटी, सही क्लास। अच्छा भाई काम करते हैं, मैंने भी बताया था अब डिव यूज ही करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे भाई, बॉक्स यूज करने का फायदा आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एफएक्स मिल जाएगा, अब अपनी सेलिंग कहाँ कर सकते हो, सारी यहीं पे कर सकते हो। डिव यूज करोगे इनलाइन यूज करनी पड़ेगी, तो इनलाइन का फायदा क्या है, इनलाइन भी कर सकते हो लेकिन इनलाइन का नुकसान है ये, अच्छा नुकसान नहीं, उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, चाइल्ड नहीं मिलेगा आपको, आपको होल्ड नहीं मिलेगा और बहुत सारी चीज आपको नहीं मिलेगी। बॉक्स और बॉक्स कंटेनर ये वेरिएंट एफ बार कंटेनर भी जाओगे, चेक कर लेते हैं कंटेनर तो बूट स्टेप में भाई। अच्छा एक कंटेनर यहाँ भी है, चेक कर लेते भाई कंटेनर क्या है, कहां से आ रहा है ये कंटेनर, भाई कोई ना कोई तो फर्क होगा, ऐसा नहीं है भाई, इसका डॉक्यूमेंटेशन देखिए लगा दो आपको कंटेनर क्या है, टेंशन नहीं। वैसे हम लोग ज्यादा क्या यूज करते हैं भाई, बॉक्स, जो ये बॉक्स यूज करने का फायदा भी है। अच्छा ये आपको स्टेक भी होता है, ये भी कंटेनर ही कहलाता है, ये भी ऐसा कंटेनर ही यूज होता है, लेकिन इसमें बॉक्स में, अच्छा ये बाय डिफॉल्ट आपके पास फ्लैग लेके आता है, डिस्प्ले फ्लैग लेके आता है, आप देख रहे हो यहाँ पर डायरेक्शन जीवे डायरेक्ट से रॉ, ये डायरेक्ट आपके पास लेकर आता है, और वो बॉक्स आपके पास कुछ भी लेके नहीं आता बाय डिफॉल्ट, कंटेनर आपके पास ये होगा कि वो बाय डिफॉल्ट सेंटर में लेकर आता है चीजों को, जिसे बूट स्ट्रैप का कंटेनर होता है कि सेंटर लेआउट, मतलब अगर आप सेंटर लेआउट बना रहे हो, मतलब सेंटराइज्ड लेआउट होता है ना कि आपके पास साइज सेंटर में आ रही होती है, तो आप कंटेनर यूज कर सकते हो। बॉक्स सिंपल विड्थ आपके पास, सॉरी कंटेनर आपके पास जो 100% विड्थ होगा ना, उसके पास कोई बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी तो नहीं ना कुछ होगा, बॉक्स ही होगा, मतलब कंटेनर आपके पास ये होगा कि सेंटर लेआउट के लिए होगा, फिर मैं चेक करके बता देता हूँ। अच्छा ये हो गया होम, वेरिएंट हो गया भाई बटन कंपोनेंट, मैंने इसको कर दिया बॉक्स। अच्छा भाई बॉक्स कर तो दिया लेकिन बॉक्स पर इंपोर्ट नहीं करा, अच्छा एमयूआई सिस्टम नहीं। अच्छा क्लास एक बड़ा इशू आएगा जब आप लोग बॉक्स को इंपोर्ट कर लोगे ना, देखो दो चीजें आ गई अपने पास, एक आ रहा है एमयूआई स्लैश सिस्टम और एक आ रहा है एमयूआई स्लैश, आपको कहां से करना है हमेशा मटेरियल से, सिस्टम से नहीं करना। क्लास इज क्लियर हुई आपको या नहीं हुई? अच्छा भाई ये तो हो गया रीयूजेबल। अब इन केस मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे चार पेजेस हैं और चार पेजेस में पी बटन चाहिए मुझे, पहले लेके आते हैं, पहले भाई लेकर आते हैं, मैंने करा बटन, बटन कंपोनेंट, प्राइसिंग भी आ जाओ भाई, प्राइसिंग पेश करा और उसके बाद ब्लॉक क्या है, क्लास क्लियर है तक, चेक करते हैं भाई बटन सब जगह आ गई थी बस,
अब एक मसला है, एक मसला यह सबसे बड़ा मसला है भाई, हर जगह नाम क्या रिप्रेजेंट है, ऐसे भी चाहिए भाई, हो सकता है भाई कहीं का आपके पास जो लॉग आउट हो, कहीं पे लॉग इन का बटन हो, कहीं पे साइन अप का बटन हो सकता है, नहीं सकता, कहीं पे शॉप शॉप नाउ का बटन हो, कहीं पे एग्जिट का बटन हो, कैंसिल का बटन हो, बहुत सारे बटन हो सकते हैं, लेकिन सर कंटेनर में लिखा हुआ आ रहा है, क्या हल हो सकता है इसका? बहुत आसान है भाई, हम क्या करेंगे, प्रॉप यूज करेंगे, बटन में आए। अच्छा भाई ये जो स्टिक है ना क्लास, इस चीज को मैं हटा रहा हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए, ये हटा दो इसको भाई, यहाँ पे मैं आया, मैंने बोला सबसे पहले चीज क्या है कि आपके पास टैक्स आएगा, सही था, इन केस मिसाल के तौर पर अगर टैक्स ट्रू नहीं होता भाई, अगर टैक्स ट्रू नहीं होता तो आप क्या दिखा दो, यहाँ पे सिंपल बटन दिखा दो, मतलब अगर किसी कंपनी ने टैक्स का फ्रॉड नहीं आ रहा आपके पास तो एप्लीकेशन क्रैश नहीं कर देना, आप क्या कर दो सिंपल बटन शो करवा देना, क्या आ रहा आपके पास सब जगह, बटन आ रहा है। अच्छा भाई अब हम जाते हैं किसके पास, होम पेज के पास, मैंने क्या टैक्स पास कर दिया इसको भाई, होम पेज, क्लास क्या आ गई यहाँ पे आपके पास, होम पेज आ गया आपके पास, प्राइसिंग पे जाते हैं, हर जगह क्या है आपके पास बटन, लेकिन व्यापार में क्या है आपके पास, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आगे बढ़े चले जी। अब इसका मतलब क्या भाई, जब भी आप ये बटन कंपोनेंट यूज करोगे हर जगह क्या यूज करोगे उसके साथ, एक प्रॉप लाजमी बता दो भाई, टैक्स यूज करोगे, इसको क्या कर दूं मैं भाई, ब्लॉक कर देते हैं, इसको कर देते हैं चेक ब्लॉक, बढ़िया डन है। अच्छा भाई एक और चीज बस आखिरी करते हैं लास्ट, इसके बाद यहां भी टैक्स पास कर देते हैं और ये कर दें व्यू प्रोडक्ट, सही है, प्राइसिंग पे आते हैं, यहां हमने पास करा टैक्स और ये कर दें लुक प्राइस, क्लास क्लियर हुआ है तक, ये तो भाई कुछ और चीज हो गई काफी आसान हो गई। अब मुझे हर बटन के ऊपर ना फंक्शन भी कॉल करना होगा या नहीं करना होगा भाई, करना होगा, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ भाई यहाँ होम पेज पे क्लिक करूं तो मैं क्या करना चाहिए, किसी पेज पे नेविगेट कर देना चाहिए मुझे, किसी दूसरे पेज के ऊपर मुझे नेविगेट कर देना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूंगा इसके ऊपर सिंपल अभी कंसोल करवाऊंगा, एक फंक्शन के अंदर मुझे फंक्शन कॉल करना है इसके ऊपर, पता है सबको कैसे होगा, आइडिया है किसी को, नहीं है, बिल्कुल ऑन क्लिक भाई, आप यहाँ पास करोगे क्या चीज क्लास, ऑन क्लिक, आप यहाँ पर आए और आपने बोला भाई आपको मिलेगा यहाँ पे ऑन क्लिक, अच्छा एक पास प्रॉप होगा ऑन क्लिक का, और आपने इसको क्या पास कर दिया, ऑन क्लिक पास कर दिया, क्लास समझ में आया। अब आपको सिंपल भाई जहां जब कंपोनेंट यूज कर रहे हो, मिसाल के तौर पर आपने यूज करा होम पेज के ऊपर, आपने बनाया फंक्शन कॉन्स और आपने कर दिया हेलो वर्ल्ड, क्या कर रहे हैं आप, लॉग आउट कर देते हैं भाई, क्लास ले रहे हैं, कोई सवाल किसी का, आगे बढ़े भाई, ये फंक्शन बन गया आपके पास, इस फंक्शन को सिंपल किसको पास कर दूंगा मैं, बटन को, मैंने लिखा है ऑन क्लिक और मैंने क्या पास कर दिया इसको, वो पास कर दिया, ना जी सही भाई या नहीं आई, चेक करते भाई, भैया डन है। अब जहां तक आपको भाई बटन यूज करना है उसका टेक्स्ट चेंज करना है हो जाएगा, उसके ऊपर ऑन क्लिक करना है ऑन क्लिक भी हो जाएगा, स्टाइलिंग करनी है आपको, क्या करनी है भाई, मैं चाहता हूँ इसकी कुछ अलग से स्टाइलिंग हो, कर सकते हैं आसान है मुश्किल नहीं है भाई, आप अगर ये स्टाइलिंग करना चाहते हो सबसे पहले चले जाओ कंपोनेंट के पास, किसके पास आगे क्लास,
यहाँ पे इंटरनेशनल कैसे होती है? ऐसा यूज करते हो नहीं करते हो? आपके भाई यहाँ से प्रॉप बुला दिया, किस नाम से? इसराइल के नाम से, और आपने इसराइल का पास कर दिया क्लास एफएक्स के अंदर पास कर दिया। ये समझ आई या नहीं आई? इसराइल में आ जाओ भाई, आपने यहाँ पे इसराइल पास करा और यहाँ पे आपने इसकी बिट कर दी 100%। होम पेज पे बटन है, एक क्रॉप पास हो रहा है टेक्स्ट, एक हो रहा है कौन सा ऑन क्लिक, और एक कौन सा हो रहा है स्टाइल। स्टाइल किसके पास आगे सेव हो रहा है? एसएसके में तो ऑब्जेक्ट ही ना, उसे स्टाइल में क्या आ रहा है? वहां से ऑब्जेक्ट ही आ रहा है। चेक करते भाई, भैया डन है, मतलब आप इसके स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हो। सर स्टाइल, स्टाइल के प्रॉप पास कर दिया। अच्छा ये इनलाइन स्टाइल वाला स्टाइल नहीं है, ये प्रॉप वाला स्टाइल है। और मैंने सिंपल इसको क्या पास कर दिया? ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ये ऑब्जेक्ट किसके पास जाएगा? स्टाइल के पास। और स्टाइल किसको दे देगा? ये ऑब्जेक्ट एसएक्स को दे देगा। सिंपल, क्लास क्लियर हुआ? कोई सवाल किसी का? नहीं है भाई, आगे बढ़े। तो भाई ये फिल्म थी आपके पास रियूजिलिटी। इसके अंदर और अधिक क्या हो सकता है भाई? बटन के अंदर, बटन के अंदर ये तीन केस होते हैं आपको ज्यादातर, टेक्स्ट ऑन क्लिक और ये स्टाइलिंग का। इसके अलावा और क्या हो सकता है? वो तो स्टाइल में आ गया ना, वो तो स्टाइल के अंदर ही आ गया। और क्या होता है यूज केस? बस ये होता है यूज केस। बटन के अंदर और कई यूज केस होता है।